नियाम हो रहा था, मारा जा रहा था मुसलमानों को, तो बच्चा जला पड़ा। साढ़े 10 और 11 के बीच में शराब का ठेका लुटवाया, पीएससी ने खुद ताले तोड़े उसके। सामने हम देख रहे हैं कोई बच्चा जला पड़ा, तो उसका माँ बाप का क्या हाल होगा। कत्लेआम हो रहा था, मारा जा रहा था मुसलमानों को। गोली जिसके भी मारी उन्होंने यहाँ यहाँ या यहाँ, बताओ किसने गोली चलाई। तो मैं झांक रहा था तभी मेरे ये गोली लगी, ये गोली लगी यहाँ, ये यहाँ से लगी होगी, यहाँ होगा निशान। अरे यहाँ पार हुआ, ये बम्बाकड़ा खुल गया था पूरा। भागने का भी तो रास्ता नहीं था, इधर जाओ इधर से गोली, इधर जाओ इधर से गोली। कोई ये कह नहीं सकता कि हमने गाली भेजी। हिंदू हूँ, सेल्फ कास्ट हिंदू हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा किसी लड़ से। आज भारती भी साथ में था और उसके पास गन थी और उसके भाई के पास राइफल थी। घटना के समय हम अपने घर से कहीं नहीं गए, किसी व्यक्ति को घटना में हमने देखा, शोर जरूर सुना। सारा मामला दो संप्रदाय के बीच में रख दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जिन लोगों को बरी किया गया वो बेकसूर हैं, उन्होंने किसी को कुछ नहीं किया, मारा नहीं, जलाया नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने, पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, तो हमें मारा किसने? पुलिस ने कराया, पुलिस ने ही ये ऑपरेशन किया, ये दंगा नहीं कराया, ये हमला किया सीधा। हमने अपने कत्ल खुद तो नहीं किया, अपने बच्चे खुद तो नहीं आग में डाल दिए हमने? जब बलवाइयों ने हमें नहीं मारा और बेकसूर थे, तो ये सरकार ने हमारे मकान क्यों बनवाए? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं लड़ता रहूंगा। दंगा, हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये शब्द महज एक खबर हो सकता है, लेकिन उस माँ से पूछिए जिसका बेटा इस दंगे की भेंट चढ़ गया हो और जो आज तक सवाल पूछ रही हो कि आखिर उसके बेटे का कसूर क्या था। ऐसे ही न जाने कितने दंगे इस मुल्क में हुए, जिसमें न जाने कितने हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसा ही एक दंगा 23 मई 1987 को मेरठ के पास लगते गांव मलियाना में हुआ। उस दिन मलियाना में 70 के करीब मुस्लिम समुदाय के लोगों को जान से मार दिया गया। इस चीज को लेकर 36 साल से एक केस चल रहा था कि आखिर इन 70 लोगों की जान का दोषी कौन था, लेकिन जब इसका फैसला आया तो इसमें सभी लोगों को बरी कर दिया गया। तो आज हम उसी मेरठ के मलियाना गांव में हैं और यहां आकर हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 1987 को, आज से 36 साल पहले, दंगे के दिन यहां क्या क्या हुआ था, लोगों पर किस किस तरह की एट्रोसिटीज यहां पर गुजरी। हम आज उन्हीं लोगों से जानेंगे जिन्होंने ये दंश झेला था। इसके साथ ही हम इस केस को भी टटोलने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय दोनों की तरफ से इस केस को लेकर क्या क्या कहना है। मलियाना दंगों को लेकर सबसे पहले हमने बात की याकूब से, जिन्होंने आज से 36 साल पहले 24 मई 1987 को इस दंगे की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। याकूब बताते हैं कि कैसे उनके भांजे को उनके सामने ही दंगाइयों द्वारा गोली मार दी गई, फिर कैसे एक पुलिस वाले ने उनकी जान बचाई, पिछले 36 साल में कोर्ट में क्या क्या हुआ और याकूब कोर्ट के फैसले के बारे में क्या सोचते हैं। मेरठ में कर्फ्यू लगे हुए, हम सब घर पे थे, पीएसी की गाड़ियां इधर होली चौक पे, इधर चारों तरफ, और सारे जवानों ने मोर्चे से ले लिए, छतों पे, कुछ गलियों में, हिंदुओं के गलियों में, छतों पे बंदूकों से मोर्चे ले लिए। हमें दहशत हो गई बहुत ज्यादा, मैंने कहा भाई ये तो आज तो कोई कुछ खराब है, मामला ठीक नहीं है। उन्होंने था नमाज पढ़ के, जैसे ही हम निकले 2 बजे, जब गोली चलाना और घरों में घुसना शुरू कर दिया, हिंदुओं को साथ ले, शुरुआत तो वहां से। तो पहले तो ये बता दूं कि मेरा सगा भांजा यही था, मेरी इसी छत पे गोली लगी, नहीं मर गया था वो छत, गुलफाम नहीं मर गया था। तो मैं यहां से निकल के भागा क्योंकि अपनी अपनी जान बचाने की पड़ रही थी, उधर जाऊं तो उधर गोली, इधर जाऊं तो, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया।
पीएसी वालों ने पकड़ लिया। मेरा कुर्ता उतरवा के पीछे हाथ बांध दिए, गांव से बाहर ले गए, वहां जाके मेरे हाथ पैर तोड़े पुलिस ने। 5-6 लड़के थे और नियत्ते थे, हम तो कुछ था ही तो नहीं। मारते मारते पैर भी तोड़ दिए, पसलिए तोड़ दी, यहाँ से भी तोड़ा, ये हड्डी टूटी और ये दोनों पैरों की हड्डियाँ टूटी है, देख रहे। तो ये सारी चीजें थी, ये हड्डियाँ टूट गई। वो इत्तफाक ऐसा हुआ, हमारे थाना डीबी नगर में एक सरदार थे दरोगा ग्रेवाल, पता नहीं फरिश्ता बन के कहाँ से आ गए, जीप लेके। उन्होंने तो लैन में लगा लिया हमें 11-12 लड़कों को। वो बड़ा जो अफसर था पीएसी का, उन्होंने उड़ा दो हाथ पैर तोड़ के हमारे। तो हम तो गए थे, इतने में वो जीप लेके, यार जीप हमारे ही सामने लाग खड़ी कर पुलिस वाले अपने तैयार थे। वो सरदार ने जो था एकदम रिवाल्वर अपना उनके भी हाथ में था, कहने लगे उनकी तरफ, कहने लगे किसी ने भी एक फायर करा तो देख ले, मैं तो मरूंगा, मार के मरूंगा, हाथ मत लगा देना, मैं जो तुमने करना था वो कर लिया। उन्होंने हमसे कहा भी कैसे भी मेरी जीप में घुस जाओ, मैंने जी हाथ पैर तो टूटे पड़े। कुछ उन्होंने सहारा दिया, कुछ कैसे कर, हम जीप में घुस गए उल्टे सीधे, खूनम खून बुरे हशर था हमारा। तो वो जीप में भर के हमें ले गए, तो हमारी ही जान बची। पुलिस का भी इसमें रोल है, लेकिन पुलिस ने अपनी जान बचा ली, उधर कर लिया। तो ये उस वक्त जो है फिर FIR हुई अगले दिन सुबह 24 तारीख को, 23 मई को तो ये सब कुछ हुआ और हम थाने पहुँच गए। सुबह जो है FIR हुई 93 लोगों के खिलाफ, जितना लिखवाया जितना मैंने था उतना लिख दिया। दहशत का माहौल बहुत था भैया, दहशत के माहौल में आप पुलिस के खिलाफ हूँ कह दोगे गोली लगेगी। जांच आयोग गठित किया गया, जस्टिस श्रीवास्तव थे, उन्होंने अपनी कार्रवाई यहाँ शुरू की और तमाम गवाह हम कचहरी में जाते रहे, उन्होंने दौरा किया यहाँ का, महीनों लग गए उसी में। तो उसके बाद उनकी रिपोर्ट आज तक ओपन नहीं हुई। उन्होंने क्या रिपोर्ट दी अपनी किसी को भी नहीं पता। अगर वो रिपोर्ट शाया हो जाती तो मुझे यकीन है कि उसमें PAC के खिलाफ भी मुकदमे में शामिल होते, पुलिस के भी खिलाफ हो जाता वहाँ, तो वो भी इसी में शामिल होते, तो फिर सही होता। तो शुरुआत तो ये भी इतनी है, वो भी इतनी है, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक भी गवर्नमेंट ने ओपन नहीं किया। राजीव गांधी साहब जो आए थे झगड़े से कोई 15-20 दिन के बाद ही आए थे, पैदल सारे में देखा, सोनिया जी भी साथ थी, 20,000 रुपये मुआवजे के भी मिले, 500 रुपये जख्मियों को भी मिले। तो राजीव साहब ये करके गए, 10 साल बीत गए। 10 साल के बाद जब मुकदमा शुरू हुआ तो अपोजिट जो हमारे वकील थे वो कहने लगे जी FIR नहीं है, FIR नहीं है तो मुकदमा कैसे चलेगा, चलने का। वो मुकदमा हमारा बैंड हो गया। 10 साल गुजार दिए, जो भी कोई जज का ट्रांसफर होके आवे समन भेजा, फिर वो भी FIR नहीं, वो फिर बंद, चक्कर काट काट के थक गए। देखिए उस वक्त 70-75 गवाह होंगे या 60-70 गवाह होंगे जो लिखवाए गए थे सब, और सब मौजूद थे। और जब तक ये नौबतें आई हैं तो लगभग 35-40 गवाह मर चुके, 35 या 40 गवाह, 38 गवाह या 42 गवाह मर चुके। अब तो 12-14 ही आदमियों की गवाही ली उन्होंने, बाकी को बुलाया भी नहीं है अभी गवाह। मैं ले जा रहा था गवाहों को, चलने बस हो गया, रिजल्ट सुना दिया, सबको बरी कर दिया गया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ जिन लोगों को बरी किया गया वो बेकसूर हैं, उन्होंने किसी को कुछ नहीं किया, मारा नहीं, जलाया नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने, पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, तो हमें मारा किसने, आगे किसने लगाई तलवारों से, किसने काटा गोलियों से, किसे मारा, घर जला दिए गए, 106 मकान जले हमारे, तो गवर्नमेंट ने हमें मुआवजा क्यों दिया। हमने अपने कत्ल खुद तो नहीं किया, अपने बच्चे खुद तो नहीं आग में डाल दिए हमने, तो गवर्नमेंट ने हमें मुआवजा क्यों दिया 20,000 रुपए, जख्मियों को 500-500 रुपए दिए। ये मकान क्यों बनवाए, राजीव गांधी साहब आए थे यहाँ ऑर्डर करके गए थे DM को कि ये मकान बनवाओ, क्यों बनवाए, जब बलवाइयों ने हमें नहीं मारा और वो बेकसूर थे, तो ये सरकार ने हमारे मकान क्यों बनवाए, कोई मुझे इस बात का जवाब नहीं देता। गुजरात के अंदर 40 मुसलमानों को सजाए मौत गोधरा कांड में, और जो हिंदू लोग बंद थे उनके खिलाफ मुकदमे थे लूटमारी के, अगजनी के, ये बलवाई, उनको सबको बरी। हाशिमपुरा में के लोगों को सरदावर्दी गोलियां मार के डाल दिया गया नहर में,
सबको बरी। हाई कोर्ट गए तो फिर उनको सजा मिली। मलियाना कांड गए, सबको बरी। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं लड़ता रहूंगा। मैं यंग था, मेरी 30 साल की उम्र थी 87 में, और अब मैं 66 साल का हूं। मेरे दांत भी टूट गए, मैं बुढ़ापा आ गया। याकूब से बात करने के बाद हमने मुलाकात की मलियाना दंगों के पीड़ितों से, जिनके दिल में आज भी उस दंगे में अपनों को खोने का दर्द है। इनमें रईस अहमद और वकील अहमद के शरीर पर पड़े गोलियों के निशान बताते हैं कि ये दंगा कितना भयानक था। क्या नाम है आपका? मुन्नी है। मुन्नी, मुन्नी जी क्या हुआ था उस दिन यहाँ पे 87? पेशी ने तो गोली चलाई और बनियों ने लूट मार करी, आग लगाई घरों में, एक बच्चा जला दिया इतना बड़ा जितना ये बच्चा खड़ा यही अंदर ही। ये हाल हुआ यहाँ बहुत ही ज्यादा, बहुत पब्लिक मरी तो मरने को तो, मगर हमारे बच्चा यही मिला था घर में पड़ा हुआ 3 दिन के बाद। वो इस कमरे पर चले गए थे, उस कमरे पर सारे गोलियों के निशान हैं, सामने जो कमरा खड़ा हुआ अभी भी हैं वो गोलियों के निशान नहीं। हाँ अभी होंगे, देख लो, तुम ही देख लो, अब भी होंगे इस पर निशान। अच्छा। अब भैया जो जो हुआ हमारे साथ, तो घरों में सब निकल निकल के भाग गए थे, कहीं मदरसे में रहे, कहीं गोली झोड़ी पे पड़े रहे। यहाँ तो हालात यहाँ तो ऐसा समझो जैसे जंगल ही हो, सब जल जल के सब गिर गए थे। रिक्शे खड़े थे हमारे घर में बहुत सारे, उनमें भी आग लग गई थी सब में। बच्चे के बारे में तो देखो सबको ही पता, अपनी औलाद कैसी प्यारी हो, अपने माँ बाप के लिए तो कैसी हो औलाद। तुम देखो अपने सामने, हम देख रहे हैं कोई बच्चा जला पड़ा तो उसका माँ बाप का क्या हाल होगा। उसके माँ बाप का तो बहुत बड़ी बच्चे। तो अभी फिलहाल हम उसी गली में हैं जहां मुन्नी जी का घर है, जिन्होंने बताया कि उनके बच्चे को किस तरह से आग के हवाले कर दिया गया, उनके घर को आग लगा दी गई। तो वो ये बता रही हैं कि ये वो घर है जहां पे गोलियों के निशान बने हुए हैं। ये अभी फ़िलहाल गोलियों के ये जो निशान हैं इनको प्लस्तर से भर दिया गया है। ये घर काफ़ी पुराना है स्ट्रक्चर, और 87 में जब ये पूरा वाकया यहाँ पर हुआ उस दौरान ये बिल्डिंग यहीं थी, और जब पीएसी की तरफ से मुन्नी जी का ये कहना है कि गोलियां चलाई जा रही थी, तो वो कुछ गोलियों के निशान इस घर पे आज भी देखे जा सकते हैं। तो ये कुछ निशान है जो अभी उस नरसंहार की याद अभी भी इनको कराते हैं, और कहीं ना कहीं मन में एक तीस है कि शायद कोर्ट का फैसला कुछ और होता तो इनको थोड़ी राहत मिलती। मेरा नाम रईस अहमद है, और उस दिन मैं यही था घर पे जब ये दंगे हुए तो मैं घर पे था। ये जो हमारी गली है ये ऐसी नहीं थी, ये पूरा एक ही मकान था। तो यहाँ इसके ऊपर बराबर में छत के ऊपर दो मकान था, तो वहाँ बाउंड्री थी, मैं वहाँ से झांक रहा था। तो दंगाई थे और उनके साथ पुलिस भी थी, हाथों में तेल की कनस्तरी लिए हुए थे, गोली भी चला रहे थे, लोगों के घर भी जलाए उन्होंने, लूट मार भी करी सब कुछ। तो मैं झांक रहा था तभी मेरे ये गोली लगी। लूटपाट भी हो रही थी, जितने जख्मी हुए थे सब यहीं आ गए। फिर एक गाड़ी में पुलिस वालों ने कहा कि भाई चलो तुम्हें लेके चलते हैं वहाँ मेडिकल। ये सर्जरी हुई यहाँ से लेके यहाँ लगाया, फिर यहाँ से 8 तह होती हैं खाल की, पता ही जब चला हमें तो ये 4 तह फिर लेके यहाँ लगाइए। मेरे वालिद का भी डेथ हुई थी उसी में, वो यहाँ नहीं थे, लेकिन वो 23 तारीख को सुबह आ गए संगम एक्सप्रेस से, और वो स्टेशन से घर तक नहीं पहुँचो, एक 1.25 किलोमीटर का रास्ता है ये बस टाइम, घर नहीं पहुँचे, बीच में ही दंगाइयों ने ख़त्म कर दिया। इतने लोग मारे गए, 70 से ऊपर लोग मारे गए, 72-73 लोग भी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हैं, सब कुछ है। और फिर एक तरफा फैसला कर दिया, सबको बरी कर दिया अदालत ने, पता नहीं क्या सोच के किया, मेरी समझ में नहीं आ रहा। और वाला ना दिखावे अब जिंदगी में कभी ऐसा मंजर। वकील अहमद के बेटे वसीम अहमद बताते हैं कि दंगे के वक्त उनकी उम्र महज 5 साल थी, और वो याद करते हैं कि कैसे उनके पिता खून से लथपथ थे और वो मंजर कितना भयानक था। जो हमारे वालिद साहब हैं उनको तो बचने की भी उम्मीद नहीं थी कि बचेंगे भी या नहीं बचेंगे, और उसको आज भी मैं सोचता हूँ तो शायद मुझे भी बहुत अफसोस और रोने के जैसे मतलब वो आता है। जो उस टाइम यह हाल था, और ट्रक में भर के जा रहे थे हम, मैं अब मतलब कपड़े भी नहीं थे मेरे जिस्म पे उस टाइम, और ये भी नहीं पता था मुझे कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं,
वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे खूब आदमी जो है सब अपनी अपनी जगह पे, कोई रो रहा, कोई चीख रहा, चिल्ला रहा, बहुत बुरा आलम था, बस देखा नहीं जा रहा था। और मेरे वालिद साहब जो हैं खून में लथपथ थे बिल्कुल, बस देखा नहीं गया था मेरे से भी। वकील अहमद सिद्दकी पेशे से दर्जी हैं और मलयाना नरसंहार के मुख्य गवाहों में से एक हैं। वो बताते हैं कि कैसे इस दंगे में पीएसी और पुलिस को एफआईआर से बाहर रखा गया और इस पूरे नरसंहार को हिंदू मुस्लिम दंगे का रूप दे दिया गया। वकील अहमद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से काफी नाराज नजर आते हैं। उनका कहना है कि उन्हें आश्वासन तो काफी दिए गए लेकिन किसी ने मदद नहीं की। अगर पीएससी और पुलिस थाना टीपी नगर और पुलिस नहीं आती और वो यहाँ आकर के लूटपाट और ये जो उन्होंने किया, सबसे पहले पुलिस ने ही आकर के किया। जब तक ये लोग खड़े हुए देखते रहे हिंदू, और जब पुलिस मुसलमानों पे टूट पड़ी तो फिर ये भी टूट पड़े, और ऐसे टूट पड़े जैसे कि इनकी तैयारी पहले से ही थी, क्योंकि इतनी जल्दी जो है केरोसिन तेल और ये हथियार वगैरह सब लूटपाट बहुत शुरू कर दी। 9 बजे तक यहाँ कुछ नहीं था, 9-10 बजे तक कुछ नहीं था। 10 और 10:30 और 11 के बीच में शराब का ठेका लुटवाया, पीएससी ने खुद ताले तोड़े उसके और उसे लुटवाया, और हरिजन बस्ती में शराब बटी। आप ये आज भी पूछ सकते हैं उनसे और किसी से भी पूछ सकते हैं। जब वो लुटी और उसके बाद 1:30 और 2 के बीच में पीएससी और पुलिस आई और उसने सीधा हमला किया। वो तो ये झगड़ा नहीं हुआ, झगड़ा वो होता जो दो लोगों के बीच में होता, किसी में कहासुनी होती या किसी से कोई कहासुनी भी नहीं हुई, किसी से कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। यहाँ तो सीधा आकर के पुलिस ने मारना पीटना शुरू किया, ले जाना शुरू किया, उनसे कहासुनी करी तो उन्होंने फायर खोल दिया सीधा। जब फायर खोल दिया और जो कई लोग मारे गए, फिर ये भी भिड़ गए। इन्होंने फिर जो है जितना ये पूरब से लगा के पश्चिम तक मुस्लिम महल्ला हिंदू बस्ती से मिलता था वो सब फूंक दिया। 70 मिस्त्री को पहले ही मार लिया था, चन्ना ने, हरी ने, और वहां कुछ और भी, वो वाहिद अकेला ही घर था। 11 आदमियों का परिवार, 11 मरे हैं, उन्हें मार काट करके उदी के घर में कुआ था तो उसमें डाल दिया। जो कच्ची मिट्टी के मकान होते थे, बिल्कुल कच्ची मिट्टी के, ईंट नहीं होती थी, तो उन दीवारों को पहले उसमें नमक की बोरियां डाली और नमक डालने के बाद फिर उसमें जो है वो उन्होंने वो दीवार डाल दी। लेकिन पुलिस ने मीडिया के सामने वो कुआं साफ कराया और उसमें से वो बॉडी बॉडी के क्या हड्डी के ढांचे ही निकले थे, क्योंकि नमक ने वो तो गला देता, बहुत जल्दी गला दे 1-2 दिन में। तो वो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई थी और 36 उसमें जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लगी हुई है और 74 या 76 आदमी मरे हैं कुल। हुड़दंग सा मच रहा तो आवाजें आ रही, पता था नहीं क्या हो रहा बाहर। तो मैंने जो जीने पर चढ़ करके देखना चाहा तो जो सबसे ऊपर की जीने की पैड़ी थी उसके ऊपर जाते गोली लगी गोकुल के कमरे पर से। मुमटी के ऊपर उन्होंने चारपाई ऐसे खड़ी करके और उस पे बंदूकों की नाल रख रखी थी, कम से कम 10 ही पुलिस वाले थे, 10-12 से भी ज्यादा थे। और वो वहां से मुस्लिम महल्ला ऐसे दिख रहा था जैसे आप और मैं दिखाई दे रहे अंदर तक, और गोली जिसके भी मारी उन्होंने यहाँ यहाँ या यहाँ, जितने भी गोली लगने वालों में हूँ जेंट्स में एक मैं ही हूँ जिसके कमर में गोली लगी, कमर में और एक ही हाथ में 2 गोली लगी। तो ये आपकी हाथ में लगी है और कमर में लगी? हाँ, कमर में भी लगी है। कमर में जैसे वो उधर से मार रहे थे तो मैं ऐसे ही था जैसे अब आपके सामने है, तो ये गोली लगी यहाँ इस जगह ये आपकी कमर से गोली ये यहाँ से लगी होगी, यहाँ होगा निशान जी।
अरे यहाँ पार हुआ, ये बम्बाकड़ा खुल गया था पूरा, ये जो मेरा हाथ जो रखा मैंने गप से अंदर, इतना अंदर चला गया था हाथ, और ये भी ऐसी भी पूरा, जो ये हाथ इसमें को आर पार कर लो ऐसे, तो जिंदगी कैसे बच गई ये तो अल्लाह जाने के, मतलब क्योंकि जिसको कोई माँ, जिसकी जिंदगी है उसे मार नहीं सकता, और जिसकी जिंदगी नहीं है उसे कोई बचा नहीं सकता। अब मैं ये बताता हूँ कि ये पीएससी का और पुलिस का नाम क्यों नहीं है। FIR दरअसल याकूब के वाहिद एक ही FIR से ये सारा केस कर दिया गया। सबसे बड़ी तो ये खेल खेला गया पुलिस ने, क्योंकि पुलिस इसमें इन्वॉल्व थी, पुलिस का ये सारा ऑपरेशन था, तो उन्होंने अपना बड़ी चालाकी से जो है ये सारा मामला दो संप्रदाय के बीच में रख दिया, जबकि ये दो संप्रदाय के बीच में पुलिस ने ही बनाया, पुलिस ने कराया, पुलिस ने ही ये ऑपरेशन किया, ये दंगा नहीं कराया, ये हमला किया सीधा। कालीचरण वो है जो कैलाश भारती के भाई है, ITO में ये सिपाही थे, वहीं से रिटायर। तो ये आप बिल्कुल फैक्ट है कि ना तो हिंदू चाहते थे, हिंदू कौन, दलित, ये नहीं चाहते थे कि दंगा हो, और ना इससे पहले कभी हुआ। लेकिन अगर पुलिस ने आकर के इन्हें जो है उकसाया, उन्होंने उकसाया और पुलिस ने हौसला दिया, पुलिस ने खुद कहा कि करो, पुलिस ने कहा बिल्कुल क्लियर, ये देखिए बता रहा हूँ पुलिस ने, और ये शुरू हो गए। इनकी कमी ये रही, और हेमवती नंदन बहुगुना के सामने कालीचरण ने कबूल किया। अगर वो आप क्लिप निकलवाएंगे ऐसी हुई वो भी बात, हेमवती नंदन बहुगुना आप जानते हैं, बिल्कुल, हेमवती नंदन बहुगुना जी और दूसरे उनके साथ में मंजूर MLA VP मौर्या ये आए हुए थे, तो उन्होंने एक सवाल किया था कि जब कभी, जो मैंने अभी बात बताई कि जो कभी दंगा नहीं हुआ था तो यहाँ क्यों हुआ, और वो उन्होंने सवाल किया था इन्हीं लोगों से, दलितों से, कि आ जाओ आगे को आ जाओ, ये भी थे मौजूद। तो जब ये आए तो कालीचरण ने पहला लफ्ज उसका ये था कि मुसलमान PSC को मार रहे थे, PSC को ये मार रहे थे इसलिए हम भी PSC के साथ हो गए, ये अल्फाज उसने कहे। तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि भाई ये तुम्हारे अपने थे या PSC अपनी थी। VP मौर्या से कालीचरण बोले कि मैं कैलाश भारती का भाई हूँ और आप मेरे घर चलिए, क्योंकि वो घर आते थे कैलाश भारती के, कैलाश भारती अच्छे नेताओं में थे उस वक्त, इनकी बात थी, ये चाहते तो कोई एक कदम आगे भी नहीं बढ़ सकता था। लेकिन मैं मानता हूँ कोई मजबूरी रही होगी, रोज रोज मुझे ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, इनका रुतबा था बहुत, और ये आने वाले वक्त के अच्छे बड़े नेता भी थे, बल्कि इनका कैरियर इसमें हुआ खराब। ये तो मेरठ शहर में दंगा हो रहा था, और ये जो राजनीतिक लोग थे कांग्रेस के, इन्होंने वीर बहादुर के कान में क्या उल्टा सीधा डाला, इन्होंने उल्टा सीधा क्या डाला, मैं ये बताता चलूं कि इन्होंने जैसा कि यहां उसने करा ना कि हिंदू को मार दिया, हिंदू औरतियों को मार, इन्होंने ऐसा ही वीर बहादुर को बताया कि मुसलमानों ने मेरठ में बैंक कॉलोनी बिल्कुल खत्म कर दी हिंदुओं की, मुसलमानों के कारखाने, हिंदुओं के कारखाने फूंक दिए, मुसलमानों ने ये कर दिया वो कर दिया, इतना बड़ा चढ़ा करके बताया। तो उन्होंने कहा तुम क्या चाहते हो, ऐसा मैंने सुना, मैं तो नहीं था वहां, उन्होंने कहा तुम क्या चाहते हो, उन्होंने कहा जी इंतजाम, तो उसने ऑर्डर कर दिए, पुलिस भी बिना ऑर्डर के नहीं करा उसने भी, ऑर्डर भी कांग्रेस के ही थे ये, और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का तो भला किया मुल्क का तो, लेकिन मुसलमानों का बहुत नुकसान किया, मुसलमानों को तो उसने गर्द में उतार दिया। भाजपा है सब कुछ कर रही, लेकिन वो कह के तो कर रही भाई हमें दिखाई दे रहा, आप ये लेकर के खड़े दिखाई तो दे रहा, और आप बगल में छुपाए खड़े, तो कांग्रेस तो बगल में छुरी रखती, कांग्रेस ने तो हमें मुसलमानों को गर्द में पहुंचा दिया, सबसे बड़ी दुश्मन तो मुसलमानों की कांग्रेस ही निकली। कांग्रेस के जमाने में ये सब कुछ हुआ, राजीव गांधी भी यहाँ आए, और भी बहुत नेता आए, कितने गिनवाओं में मिला भी मैं सबसे, VP सिंह ऐसे मिल के गए जो कह के गए कि अगर मेरी सरकार आई तो मैं जो है मतलब मलयाने का इंसाफ सबसे पहले करूंगा, पहले यही काम करूंगा, सब ये कह के गए इंसाफ मिलेगा, एक आयोग भी बना श्रीवास्तव आयोग, आज तक उस तक की नहीं कोई कर पाया कि भाई उस आयोग ने क्या रिपोर्ट दी, तो कौन करना चाहता, सिर्फ रोटी से कि VP सिंह प्रधानमंत्री बन गए, मुलायम सिंह जो है मुख्यमंत्री बन गए चार बार मुसलमानों के दम पे, क्या मुलायम सिंह ने कर दिया, वो आजम खां जो है 50 बार यहाँ आए, आजम खां भी खूब विकास मंत्री और फला फला मंत्री बन गए, क्या बलियाने के लिए क्या करा उन्होंने, क्या किया उन्होंने,
किस भूतगी पे मंत्री बने थे? मुसलमानों ने तो बनाया था। ये चार बार जो इसकी सरकार बनाई मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की, किस बूथ पे बनी? कोई कोई काम किया? ये कब्रिस्तान की दीवार करा देना और या कोई किसी को नौकरी दे देना या किसी को मंत्री बना देना, ये मुसलमानों का भला है क्या? मुसलमानों का भला होगा एजुकेशन से या उनके लिए जो इंसाफ और ये दंगे फसाद ना हो? हम तो ये चाहते हैं कि कानून बिल्कुल ईमानदारी से काम करे। हमारी तरफ से अगर जो कोई मुसलमान गलत कर रहा तो मुसलमान को तो इतनी कड़ी सजा दी जाए कि जितनी दूसरे को ना दी जाए, सबसे ज्यादा इसे दी जाए, और वो हो रही है। अब आप ये देखिए मुसलमानों का क्राइम कम हुआ या नहीं हुआ जो मुसलमानों के अंदर था। मैं तो चाहता हूँ भाजपा 10 साल और रहे। ये जो हराम की खा रहे थे ना मुसलमान, इनका ये खाना बंद होगा। ये जो बेईमानी और लूट और चोरी और छीन चोरी और ये कर रहे थे, जैसी करनी वैसी भरनी, करा मैंने भर रहा ये है, करा इसने भर रहा मैं हूं, ये गलत हो रहा। जो ना अगर जालिमों के साथ हुकूमत सख्ती पेश कर रही तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हुकूमत डंडे की और ये जो धर्म होता है ये नरमी का, चाहे वो कोई सा भी हो। लेकिन आज तो धर्म भी बड़ी गर्मी का चल रहा। ये अदालत का फैसला है और अदालत का फैसला माननीय है, वो बात अलग है कि हम दुखी हैं इस फैसले से, बहुत परेशान भी हैं, और हमारे जो वो पुराने जख्म थे वो कोई तो कहता ताजा हो गए, ताजा नहीं हो गए, किरोद दिए गए। ये इतने मजलूम लोगों का केस है कि वो लोग जो है सुबह को कमाने जाते हैं और शाम को खाते हैं, तो वो लोग कैसे मुकदमा लड़ सकते हैं? मेरी गवाही 2009 से 2010 तक चली है, 15 महीने मैंने गवाही दी लगातार, और किसी भी पेशी पे मेरा ऐसा नहीं हुआ कि जो बिना गवाही दिए वापस आ गया हूँ। तो आप ये मानिए 54 से 56 तारीखों में इस बीच में मैंने क्या कुछ नहीं बताया। जब मैं आपसे बता सकता हूँ तो क्या मैंने न्यायालय में नहीं बताया? मैंने एक एक आदमी को बताया कि किसने क्या करा और कौन सी जगह पर खड़ा था और किसने क्या हाथ में लिए हुए था। ये तो पुलिस का खेल ऐसा है कि जितने दोषी थे उसमें से 15% भी नहीं उनमें नाम लिया लिखे गए उसमें। रिपोर्ट तो हमारी तरफ से हुई नहीं, हमसे तो आज तक किसी अधिकारी ने यही नहीं पूछा मलियाने में हुआ क्या। प्रशासन ने ही ये जुल्म किया और प्रशासन ने ही इसको का नाश किया, इसको चले ही ना। हाँ, हमें ये उम्मीद है कि जो है हाई कोर्ट हमारी बात सुनेगी, और हाई कोर्ट से हमारा निवेदन है कि वो हमारी बात को बारीकी से देखेगी कि कहाँ कहाँ क्या है। आपके पास उस दौरान की कुछ फोटोज हैं क्या, कोई रिपोर्ट? सब कुछ था, सब कुछ था। बॉडी जली हुई, आपस में मिली हुई, और बॉडियों का बुरा हाल हुआ हुआ, लाशें, हर लाश के फोटो थे तकरीबन जो यहाँ इर्द गिर्द में जो हमारे नॉलेज में थे सबके थे। लेकिन श्रीवास्तव आयोग ने मैं निगेटिव के जमा करा ली। योगी जी से कोई अपील करना चाहेंगे इस चीज को? नहीं, योगी जी सुना के मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या वो ध्यान देंगे तो बिल्कुल इसमें कुछ हो सकता। हमारी तो बिल्कुल उनसे निवेदन है कि मतलब वो इसमें ध्यान दें, और वो तो जो है कहते हैं कि भाई हमारी सरकार में दंगा नहीं है और कांग्रेस नहीं कर रहा, और हम भी मानते हैं इस बात को कि उनकी सरकार में कोई दंगा होता ही नहीं। तो ये जो है अगर उनसे अपील है कि कुछ हम मजलूमों पे ध्यान दें और हमारे साथ न्याय करें गलत के लिए, तो मैं समझता हूँ, मैं अब फिर अपील करता हूँ कि अगर मुसलमान गलती करे तो उसके तो अगर हाथ से करे तो हाथ काट दो, पैर से करे तो पैर काट दो, और उसे इतनी सजा दो कि जितनी दूसरे को ना दी जाए, मगर गलती पे। ऐसा नहीं कि कोई मुसलमान जा रहा उसकी टोपी उतार ली, किसी मस्जिद पे हमला बोल दिया, ऐसे लोगों पे अंकुश लगाना चाहिए। ऐसे लोगों पे अगर वो अंकुश लगाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए भाजपा से अच्छी कोई सरकार नहीं। मलियाना के दंगा पीड़ितों की आप बीती सुनने के बाद हमारा अगला पड़ाव था मलियाना की दलित बस्ती, जो मुस्लिम मोहल्ले से बिल्कुल सटी हुई है। यहाँ हमारी मुलाकात हुई कैलाश भारती से, जिन्हें इस केस में मुख्य दोषी बनाया गया था। 36 साल से चले आ रहे इस केस का नाम है स्टेट बनाम कैलाश भारती। कैलाश भारती को कोर्ट ने सभी दोषों से रिहा कर दिया है। उनका कहना है कि इस केस में उन्हें झूठा फंसाया गया था, वो अपने ऊपर लगे सभी इल्जामों को बेबुनियाद बताते हैं। 23 मई 1987 के बारे में जो घटना घटी, मुझे ये कहना है, वास्तविकता ये है मेरी, सच्चाई, कि बेगुनाह मेरे को इन्होंने पकड़ा। घटना के समय हम अपने घर से कहीं नहीं गए,
किसी व्यक्ति को घटना में हमने देखा, शोर जरूर सुना, फायर की आवाज भी सुनी और शोर भी सुना, लेकिन ये पता नहीं कौन शोर कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। सारे दिन अपने घर पर रहे। अगले दिन 24 तारीख को मुझे दो मिलिट्री का आदमी ले गए बुला के कि वकील साहब आपको चल रहा है, अमन कमेटी की मीटिंग हो रही है, मलियाने में कुछ लोगों की मीटिंग है कि शांति व्यवस्था जिसमें रह, जो हो गया सो हो गया, कल ऐसा आ गया होना नहीं चाहिए। मैं चला गया, जाने के बाद कहने लगे आप गिरफ्तार हो गए, पकड़ लिया गया। इस मोहल्ले का भी कोई आदमी तो ऐसा नहीं, बड़े मजदूर लोग रहते हैं, डेली वेजेस पे काम करने वाले इस तरह के, ऐसे ऐसे लोग इस मुकदमे में हैं जिनको भाड़े के 10 रुपये भी कचहरी तक जाने के नहीं उपलब्ध होते थे। कोई भी ये कह दे जिन लोगों ने हमारा, जिनसे खिलाफ मुकदमा हो रहा है, कोई ये कह नहीं सकता कि हमने गाली भेजी। मुझे आज तक भी मेरे दिमाग में ये तस्वीर नहीं है कि याकूब ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई हो। मैं 1984 में भी MLA का चुनाव लड़ा था, 84 में हसनापुर से, हो सकता कोई मेरा राजनीतिक ऐसा हो। 88 में फिर जो है मैं पार्षद भी बना हूँ यहाँ BJP में, तो मैं उसमें आया हूँ 89 में। एक तो इन्होंने जाति हिंदू की कोई छोड़ी नहीं है, जाटव लोग भी हैं, वैश्य भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, जाट भी हैं, सैनी भी हैं, माली भी हैं, 93 लोगों का नाम था। और 93 में से एक और बात बताऊँ, जो हमें कोई FIR नहीं मिली इसकी कभी भी, उस 93 में से 4 आदमी ऐसे थे जिनकी दंगे से 10 साल पहले और 7 साल पहले और 12 साल पहले और मेरे ख्याल 6-7 साल पहले डेथ हो चुकी, दंगे से पहले 4 नाम ऐसे थे। एक नाम ऐसा था सुरेंद्र कुमार गुप्ता नाम का, जो 18 मई 1987 को दयानंद नर्सिंग होम में सीरियस कंडीशन में एडमिट था। 25 को उसकी छुट्टी हुई है, दयानंद नर्सिंग होम को सर्टिफिकेट लगा हुआ कि इस दिन तक सीरियस कंडीशन में हमारे यहाँ रहेंगे। 3 नाम ऐसे हैं यहाँ पे जो इस नाम की कोई आदमी मलियाने में नहीं रहते। वो जैसा हमने कहा यार ये तो बड़ा गलत है, तो रिपोर्ट ये तो इसका मतलब सरासरी झूठी है रिपोर्ट, इस तरह की गलत ऐसे हुआ और वो माना उन्होंने। अब मैं आपको बता दूं कि जिस दिन ये मुकदमा छूटा है, हमको उन्होंने बरी किया, याकूब भाई आए रात के 11 बजे हमारे यहाँ, रात के 11 बजे आए, 10 बार हिंदुस्तान प्रेस वाले भी थे, 10-12 लोग आए, कह लिए कैलाश भारती यार आपको तो बिल्कुल झूठा फंसा रखा था, हमें दुख होता था आपका, आप बड़े हो गए, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरा याकूब का उसी दिन रात का फोटो आया हिंदुस्तान पेपर में दिया, साथ साथ हमारे यहाँ 2 वर्गों में थोड़ा सा जरूर है कि हम तो सेलकास्ट के लोग हैं, मैं तो फैनाटिक हिंदू भी नहीं हूँ कि बिल्कुल के लड़ने वाला हूँ, कि कट्टर जिसे हिंदू कहते हैं, हिंदू हूँ, सेलकास्ट हिंदू हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा किसी लड़के उसके लिए धर्म के लिए मैं किसी से लड़ूंगा जाके। फायर जरूर, मैंने बता दिया आपको, फायर की आवाज़ सुनी है। अब मैं जो बिल्कुल नहीं कह सकता कि PAC थी या पुलिस थी, मैंने देखा नहीं उनको। उन्होंने पूछा एक ने कि एक से कि उनने कहा जी मेरे गोली लगी, जस साहब ने कहा किसने गोली मारी आपके, कि जी पता नहीं चारों तरफ से गोली चली। जस साहब ने क्वेश्चन करें, और मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो डिसीजन आया है ये बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया से गुजर कर, जितने भी गवाह आ सकते थे सबको समन किए हैं कोर्ट, कौन उपलब्ध है कौन नहीं है, सबको कोई कमी नहीं छोड़ी। इस तरीके से अदालत ये रही कि जरा सी भी इनकी कहीं अगर मिल जाए कोई कमी तो सजा कर दें। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है कि भीड़ में अगर कोई आदमी खड़ा है और उसका कोई उद्देश्य नहीं, वैसी भीड़ में आदमी इकट्ठा होकर चला जाए तो सजा का वो थोड़ा ये खड़ा हो गया, या तो ये बताओ कौन मार रहा है, ये बताओ किसने गोली चलाई। 1000 आदमियों में से 7 आदमियों में एक जगह ये कह रहे हैं कि जब हम मस्जिद में से नमाज पढ़ के आए तो बाहर बहुत भीड़ लग रही थी और वो जो है नारे लगाने लग रहे थे, हर हर महादेव और ये हर वो अड़गम, हम जो हैं वहाँ जो आगे को बढ़े तो हमसे लिपट गए। एक बार दूसरे बयान पे वही कह रहा कि जब हम मस्जिद में से निकल गए तो ये हमारे घर में घुसे हुए थे सब 500 आदमी। सच्चाई तो एक बताएगा आदमी, सच्चाई जो होती है ना सच्चाई एक ही एक जैसी निकलती है, दो नहीं निकलेगी। भगवान पे भरोसा है और मान्य न्यायालय पे हमके पूर्ण रूपोन भरोसा है, बिल्कुल बाज़त बनी। कैलाश भारती का पक्ष जानने के बाद हमने इस केस में आई जजमेंट की बारीकियों को समझने के लिए एडवोकेट अलाउद्दीन सिद्दकी का दरवाजा खटखटाया। सिद्दकी मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, जो शुरुआत से ही इस केस के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त किन किन बातों को नजरअंदाज कर दिया। 1-2 बजे दिन के 300-400 लोग जो हिंदू थे, जो अपने हाथों में बल्लम लाठी तमंचे बंदूक और जली हुई मशाले लिए हुए थे,
तेल की कनस्तरी लिए हुए थे उनका मोहल्ला शेखान अंबेडकर भवन से मिला हुआ है, पर लोगों ने उन मुसलमानों पर हमला कर बोल दिया पर मुसलमानों पर हमला बोल दिया। वे कह रहे थे कि इन मुसलमानों को ख़त्म कर दो, मार दो। देखिए एक वर्डिक आया है, वो कह रहे हैं ऑब्जेक्ट वो नहीं था, इंटेंशन ही नहीं थी उनकी, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। अरे वो 300-400 आदमी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को मार दो, कुछ नहीं था वो। ये मैं अभी दिखाऊंगा वो जजमेंट, जजमेंट में वो लिखा हुआ, इन मुसलमानों को ख़त्म कर दो, जितने मारे जाएं ख़त्म कर दो, हल्ला बोल दिया और गोली चलाते हुए लाठी डंडे और मकानों में घुस गए, आग लगा दी। मकानों में आगजनी लूटमार करते हुए बढ़े। जिन मुल्जिमान को उसने मौके पर पहचाना उनके नाम कैलाश भारती, मुल्जिमान के नाम बता रहा हूँ, कैलाश भारती, कालीचरण, दयानंद, ताराचंद, आज़ाद, सुमंत्रा, रामबली, रघुबर, जुगल, जुगल का भाई रामानंद, विक्रम, नरेंद्र, अन्य नाम इस वक्त याद नहीं है। हाजिर अदालत मुल्जिमों को देखकर कहा कि ये सब लोग मौके पर थे। मान और साथ सबूत क्या हुआ, क्या क्या गवाह, सादा क्या कह सकता है, मौके पर थे। इनके साथ अन्य लोग भी थे, इन्हीं लोगों द्वारा घटना कारित की गई है। जजमेंट में कहता है कि कोई इंडिपेंडेंट गवाह नहीं है, कोई गवाही दी नहीं है किसी ने इस बारे में कैसे मारे गए। करीब 68 मुसलमानों की हत्या की गई थी, जिनमें 15-16 लोगों के नाम तो मैं बता सकता हूँ जो मारे गए हैं। नसीर अहमद, अशरफ, तस्लीम, गुलफाम, मुदस्सर, मुन्ना, कनीज, असगरी, सत्तार व उनके परिवार के 11 परिवार के लोग मारे गए और 6 मुसलमान इस्लाम नगर में आग से जलकर मार दिए गए। मस्जिद के इमाम को भी हत्या की गई, उसके साथ 3-4 व्यक्ति और मारे गए। इमाम कश्मीर महमूद पूरे परिवार के 7 मार दिया गया। फारूक ठेकेदार के परिवार के 23 लोग मार दिए गए, जिसमें फारूक भी शामिल है, उसके भी 2 गोलियां लगी थी, एक कमर में, उस यानी जो ये है विटनेस है वो कह रहा, उसके भी दो गोलियां लगी थी, एक कमर में, एक हाथ में लगी थी। चोटों का डॉक्टरी मायना हुआ था, ऑपरेशन में उसका गुर्दा निकाल दिया गया। उसके अलावा 25 आदमी अन्य घायल हुए थे, उनमें अशरफ व जफर वहीं मर गए थे। सहाना, चांदो, रईस अहमद और अल्लाह राजी, गुल्लू वहीदन, हबीब, जमील, मेहरुद्दीन आदि थे, उनका घर व मकान आदि जले थे। मुसलमानों द्वारा मौके पर उसके घर व दुकान में लूटपाट की गई थी। पूरा मलियाना में 100 से लेकर 125 मकान मुल्जिमानों द्वारा जला दिए गए थे। और क्या शहादत चाहते हैं, और वो ये कहते रहे हैं, उसका कहना ये है, ये आई विटनेस का अकाउंट है, ये जिसके गोली लगी है 2 बच गया है, मरा नहीं। वकील अहमद सर ऑफ बुंदू है, शायद नवाब है, सन ऑफ नवाब, इसके बाप का नाम नवाब है। तो ये उसका कहना है। एक और गवाह है PW2 अली हसन, ये भी आई विटनेस है। अपने शपथ पत्र में कहा, शपथ पूर्वक किया कि 23 वर्ष पुराना वाकया है, सन 1987 था, गर्मी का दिन था, वह अपने गांव में अपने घर पर मौजूद था। 2 या 2:30 बजे के वक्त हिंदू लोगों ने उनके मोहल्ले पर मारो मारो करके हमला कर दिया। और इंटेंशन और ऑब्जेक्ट कैसे देखेंगे आप, भाई उनके मुंह से कहा जा रहा मारो मुसलमानों को, तो ये काफ़ी नहीं है, और 300 आदमी आ रहे हैं तो कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं है उनका मानने का, घरों में आग लगा रहे हैं तो है नहीं उनका, उन्होंने जज कह रहा कि कॉमन ऑब्जेक्ट है ही कहाँ, और असेंबली कहाँ बनी कहाँ, और असेंबली अगर वो थी भी अनलॉफुल असेंबली तब भी उनका रोल तो किसी का कुछ है ही नहीं, था ही नहीं, अलग अलग तो बताया नहीं किसने क्या करा अरे 201 आदमी की नज़र जो है 200 आदमियों के एक्ट को देखेगी, किसने क्या किया, ये सारी बातें जो हैं लर्नड जज ने
सब बस क्योंकि उसे छोड़ना था ये किया है। उसके बाप अल्लाह राजी को तबल मारा, उस समय वह भाग गया था। उसके घर के पास उसके भाई इस्लामुद्दीन का घर है, उसके रिक्शा खड़े थे, रिक्शाओं में आग लगा दी। करीब 17-18 रिक्शा थे, उसके 5 वर्ष के बेटे को रिक्शा में लगी आग में फेंक कर मार दिया गया। किसने फेंका जी ये अब ये बताओ किसने फेंका था जज को? हमें भीड़ थी, वो उठा के फेंक दिया उसने, किसका हाथ लगा किसका हाथ नहीं लगा कौन देख रहा था। और जब वहाँ ये हालत है कि वहाँ मार पीट हो रही है तो आदमी अपनी जान बचाएगा, ये देखेगा किसने क्या करा है। स्पेसिफिक वो नहीं बताया रोल किसका, किसने क्या करा ताकि मैं सजा कर दूँ, ये है उनका कहना। तो ये ऐसे हुए हैं, बयान तो हुए हैं, ये करीब 7-8 बयान हुए हैं। और उनका कहना ये है कि कोई जो है गवाह है ही नहीं इस केस में, यानी आई विटनेसेस हैं, इंजर्ड हैं, उनको भी वो मानते नहीं। दूसरी बात ये कहते हैं कि साहब गवाहों ने मुल्जमान को आइडेंटिफाई नहीं करा, दे लिव इन द सेम वेसिनिटी, घर वो कह रहे हैं कि छतें मिली हुई हैं हमारी, बराबर वाले घर में रहता है आज़ाद, में यहाँ रहते हैं समझे, वो घरों में छतों पे से कूद के हमारे घरों में आ गए, उसके बावजूद आइडेंटिफिकेशन चाहिए उनका, जब वो नाम ले रहे हैं कि ये आदमी था। वो कहते हैं साहब आइडेंटिफिकेशन तो हुआ ही नहीं इसमें, जज साहब का कहना ये है कि आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हुआ, आइडेंटिफिकेशन परेड होनी चाहिए थी, वो हाथ रखता कि ये इस आदमी ने ये करा, इसने आदमी ने ये करा, इस आदमी ने, ये तो हुआ ही नहीं। वाह भाई वाह, उन लोगों की कराई जाती है आइडेंटिफिकेशन जिनको जाना नहीं जाता, जिनको वो जानते नहीं और थे घटना में आए, उनको उनको नाम से नहीं जानते। अब आइडेंटिफिकेशन कराएंगे कि कौन कौन थे बताइए आप, जिसको वो नाम से जानता है, जो उसके घर के पड़ोस में रह रहा है, उसके आइडेंटिफिकेशन कराने की क्या दुख है? वो कह रहे हैं आइडेंटिफिकेशन तो कराई नहीं इस केस में, नो इंडिपेंडेंट विटनेस वाज एग्जामिन बाय द प्रोसिक्यूशन, ये इंडिपेंडेंट नहीं था, मतलब ये था कि किसी को जज साहब भेजते और वो आके कहता कि साहब हाँ जी मैंने भी देखा है वाकया, क्या कहना चाहता है? ये 10 गवाह जो है वो ये कह रहे हैं कि हम मजरूब हैं, हमारे चोटें लगी हैं, हम वहाँ पर थे। अच्छा अब सवाल ये है, वो ये कहता है जज कि साहब जिनको चोटें लगी थी इंजर्ड थे, इंजरी रिपोर्ट तो पेश नहीं हुई, सारी इंजरी रिपोर्ट जो है फाइल पर लगी हुई है, अब अगर उसको एग्जिबिट नहीं कराया प्रोसिक्यूटर ने तो क्या ये अदालत का काम नहीं था? उससे कहते भाई अभी है इन्हें साबित तो करो। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये हुई कि देर इज ए गन शॉट वुड ऑफ एंट्री एंड एग्जिट टू हो गई, व्हेन ए पोस्टमार्टम वाज कंडक्टेड ऑफ दिस पर्सन दिस इंजरीज वाइप्ड आउट एंड 4 स्टैब वुंड वर शोन ऑन हिज बॉडी, उस आदमी के ऊपर 4 स्टैब वुंड दिखा दिए गए। तो ये तो प्रोसिक्यूशन को और डॉक्टरों को एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना दबा रखा था कि जो हम कहें वो लिखो, किसी को गोली लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ना इंजरी रिपोर्ट आपकी, इतने उस आपने साबित हुई काम प्रोसिक्यूटर का था, प्रोसिक्यूटर भी मुलजमान से मिला हुआ था, जो सरकारी वकील जी है ना, सरकारी वकील था, केस तो स्टेट का था, स्टेट का प्रोसिक्यूटर था, वो उसको चाहिए था कि वो इंजरी रिपोर्ट को उसके सामने रखता कि ये रही इंजरी रिपोर्ट, ये आदमी था जी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि इसमें केस के अंदर प्रोसिक्यूशन, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन सब मिला हुआ था। ये हमारा आपको लेके आए इसको याकूब को, याकूब से रिपोर्ट याकूब ने लिखाई है, सलीम है एक वहीं, वो उससे उसने लिखी है। इस ही वॉज अंडर प्रेशर, यू विल नॉट नेम एनी PAC और पुलिस पर्सन, किसी को नहीं कहोगे कि ये काम, अरे 10 आदमी गोलियों से मरे हैं, अब बोलते ये रॉयट नहीं, इट इज ए मैसेकर, कत्लेआम हो रहा था, मारा जा रहा था मुसलमानों को, ये रॉयट नहीं था, क्यों? ये 72 मुसलमान मर गए, किसी हिंदू के खराश आई, फिर रॉयट होता तो उनके भी किसी के चोट वो आती।
हाफ ऑफ द विटनेसेस हु वर इंजर्ड दे डाइड और एक्सपायर्ड, कहां से लाए और वो मर गए। फिर भी जितने थे उनको तो समन करने का काम अदालती का था, क्यों नहीं करा उन्होंने समन? आज भी जिंदा है, लाइए 10 गवाह तो आज अदालत में पेश कर दूं मैं, और हाईकोर्ट के कहेंगे तो वहां पेश करूंगा कि ये खड़े, क्यों नहीं एग्जामिन किया इन्हें? और फिर यूं कहते हैं कि इंजरी रिपोर्ट जो है वो पेश ही नहीं की। अरे अदालत की फाइल पर रखी भी ना हो वो इंजरी रिपोर्ट, अब अगर प्रोसिक्यूटर उसे प्रूव नहीं कर रहा है, बता नहीं रहा कि ये इससे मुतालिक है, क्या करें? 36 से 42 के करीब आप बता रहे हो पोस्टमार्टम रखे हुए हैं, कोर्ट की फाइल पर मौजूद है, वो तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, कोई किसी का बनाया हुआ थोड़ी है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो तो एक किताब होती है, उस पर लिखा जाता है जी, वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड होता है। फिर वो कैसे आया वो फाइल के ऊपर, और फिर कैसे आपने नहीं माना उसे, कहते हैं कोई है ही नहीं? कैलाश भारती का ये कहना है कि जब ये दंगा हुआ वो अपने घर में। नहीं नहीं, वो ये बात वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं, क्योंकि लोग बागों का कहना यह है, मुझसे कहा कि कैलाश भारती भी साथ में था और उसके पास उस वक्त गन थी और उसके भाई के पास वो थी राइफल थी। और एक बात ये भी है, एक लेडी जो है इंजर्ड है, उसके पिलेट्स लगे हैं, छर्रे लगे हुए हैं, वो तो गन से ही आए हैं। भाई देखिए, राइफल के अंदर या कट्टे के अंदर जो 3 नॉट उसका होता है, 315 का हो या 302 का हो, उससे बुलेट चलेगी। छर्रे जो है वो 12 बोर की गन से चलते हैं, निकलते हैं। पिलेट्स जो है वो एक लेडी के लगे हुए हैं बहुत सारे। किसने चलाए वो? पीएसी वाले ने तो नहीं मारे हो। वो जो पिलेट्स लगे हुए हैं उस लेडी के, वो पीएसी के नहीं है। पीएसी के तो 303 से राइफल से चलाई होगी ना, उससे मारा। ये प्लेट्स का संग आए ये, और उनका कहना ये है गवान का कि ये कैलाश भारती के हाथ में थी बंदूक। और क्या चाहते हैं आप? मुझसे तो यही वर्जन आया कि कैलाश भारती के पास बंदूक थी। और ये कोर्ट में है वर्जन? नो, ये कौन देगा? उन्होंने ये तो कहा कैलाश भारती के पास बंदूक थी, उसके भाई के पास राइफल थी और ये चला रहे थे, लेकिन ये कि उन्होंने चला के किसी को मारा ये बात नहीं आई। किसने नहीं कहा कि कैलाश भारती के ने फलां आदमी के ऊपर गोली चलाई और उसे मार दिया? किसने नहीं कहा? लेकिन कैलाश भारती अपने घर में तो बिल्कुल नहीं थे अकॉर्डिंग। नहीं, घर में नहीं था, वो बाहर ही था। ये सारा इंस्टिगेशन उन्हीं का करा हुआ था, ना कोई वहां मरा ना वहां कोई इंजर्ड हुआ, समझे? ये सारी झूठी और फर्जी बातें मलियाने वालों ने घड़ी, समझो, और मेरे मुंह से कहलवा दी, बस थैंक यू, और सारा कुछ नहीं रखता। मलियाना ही नहीं, इस देश में धर्म के नाम पर जो भी कत्लेआम हुए हैं उनके बारे में सोचकर कमलेश्वर की लिखी ये पंक्तियां याद आती हैं। इन बंद कमरों में मेरी सांस घुटी जाती है, खिड़कियां खोलता हूं तो जहरीली हवा आती है।